आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्साइटिंग जर्नी दिखाने वाली हूँ। मैं हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में जसीडी से नई दिल्ली जा रही हूँ। मैंने इस ट्रेन में कूप बुक कराया है। कूप के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि अब कम्बल बेडशीट तकिया मिलना शुरू हुआ कि नहीं, अब खाना पीना मिलता है कि नहीं, विंडो और डोर में कर्टन लगे हैं कि नहीं, इसके बाथरूम में और नहाने का रूम कैसा होता है, इसमें सफर करना कितना सुरक्षित और मजेदार है, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। मैं पहुंच चुकी हूँ जसीडी रेलवे स्टेशन और कुली भैया मेरा सामान ले जा रहे हैं। हम लोग हावड़ा राजधानी का वेट कर रहे हैं, जो कि 10 मिनट लेट है। नॉर्मली ये 10 मिनट लेट नहीं होता है, बट किसी कारण की वजह से अभी 10 मिनट लेट है। आपको कूप अलर्ट हुआ है कि नहीं, ये ट्रेन चलने की ठीक 4 घंटे पहले पता चलेगा। 4 घंटे पहले मेरे मोबाइल में ऐसा मैसेज आया था और मेरी खुशी का तो मत पूछो। इस मैसेज में आप देख सकते हो मुझे कूप अलर्ट हुआ है। हम लोग को फिर से कूप अलर्ट हुआ। लकी है ना हम लोग, है ना सानू? हम लोग को हमेशा कूप अलर्ट हो ही जाता है। हम लोग कूप बुक करते हैं इतने अच्छे तरीके से कि कूप अलर्ट ही हो जाता है। आपको मेरी तरह ही लकी बनना है और फर्स्ट एसी में मेरी तरह ही कूप पाना है, तो आप मेरा ब्लॉग देखिए, हाउ टू बुक कूप। कूप का अलग ही मजा है, कूप का अलग ही मजा है ना। सानू तो बिजी हो गई। तो बाय बाय जसीडी। बाय बाय कांत बदाम। जसीडी है बेबी ये। फर्स्ट एसी के कूप में 2 बर्थ होते हैं 2 पैसेंजर के लिए, और उनके लिए 2 टेबल होता है लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए। रेलवे के स्टाफ 2 टेबल लगा रहे हैं हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं सीट अरेंज करूंगी, तो इसको आप इस तरह ऊपर कर सकते हैं और बहुत स्पेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर्टन कुछ भी नहीं मिलता है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। ब्लैंकेट पिल्लो ये भी नहीं मिल रहा है। पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। ब्लैंकेट पिल्लो बेडशीट और चाहे तो कर्टन भी अपना ही लेके चलना पड़ेगा, अभी तक रेलवे वाले नहीं ले रहे हैं। बहुत ज्यादा होता है तो बच्चों के लिए ये अच्छा है, ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हैं। एसी बहुत ज्यादा चिल्ड होता है तो सामने को थोड़ा सा ठंड से प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा विंटर क्लॉथ भी लेके चलती हूँ। खास बात बताती हूँ मैं आपको इस कूप की, ये 2 बटन है ना जिसमें है डोर और विंडो लिखा हुआ है, ये कमाल का फंक्शन है इसका। आप ये, मैं विंडो का बटन ऑन करके दिखाती हूँ। ये अभी आपको दिख रहा होगा बाहर, आप बाहर की तरफ देखो, ये आपको बाहर की तरफ का व्यू दिख रहा होगा, तो मैं आपको ये बटन को प्रेस कर देती हूँ, तो ये देखो ऑटोमेटिक है, नहीं दिख रहा है। बाहर से भी आप देखोगे तो अंदर की तरफ नहीं दिखेगा, तो है ना कमाल की बात। मैं आपको ऑफ करके दिखाती हूँ, देखो
बाहर का व्यू दिखेगा, है ना कमाल का बात। कटिंग का तो कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे। ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बाहर से भी अंदर नहीं दिखेगा, और ये अब दिख रहा है। अब मैं आपको अपने डोर से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, डोर क्लोज है मेरा, फिर भी बाहर का व्यू देखो आप, बाहर का व्यू दिख रहा होगा और बाहर से अंदर भी दिख रहा है। अब मैं डोर का बटन प्रेस करूंगी, ये देखो है ना कमाल की बात, अब बाहर की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना अंदर की तरफ से कुछ दिखेगा, और ये फिर से दिखने लगा। तो प्राइवेसी के लिए तो बहुत कमाल का बटन है ये। शाम का स्नैक्स आ गया है, इसमें है चाय, सैंडविच, सोन पापड़ी, टोमेटो सॉस और सोया स्टिक। अब मैं आपको कूफ दिखाती हूँ, ये है फर्स्ट एसी कोच का कॉरिडोर। ये कूफ की लाइट का स्विच है, ये नाइट लाइट का स्विच है, और ये चार्जिंग पॉइंट। हर एक बर्थ पे बर्थ रीडिंग लाइट है, और इसमें छोटा सा एक डस्टबिन भी है। एक टेबल मैंने बाहर रखवाया है थोड़ा स्पेस के लिए। कूप में एक डोर होता है जिसको आप अंदर से लॉक कर सकते हो। अब ये पूरी तरह से आपका एक प्राइवेट रूम हो गया, इसको लोग कपल रूम भी बोलते हैं, है ना मजेदार। अगर आपको कूप में ठंड लग रही है तो आप टेम्परेचर कंट्रोल करवा सकते हो, आपको करना ये होगा कि ये बटन को प्रेस करना होगा। बटन दबाते ही रेलवे के स्टाफ आपके कूप में आएंगे और आप उनको टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हो। डिनर से पहले कूप में सूप मिलता है, मम्मा दादा ये देखो रेलवे के स्टाफ सारे कूप और केबिन में सूप सर्व कर रहे हैं। कूप के प्राइवेसी की वजह से इसे हनीमून स्वीट भी बोलते हैं, जिसको आप सरल भाषा में हनीमून का कमरा भी बोल सकते हैं। नए नए शादीशुदा जोड़ों के लिए तो ये परफेक्ट है। आप गाने और डांस के शौकीन हैं तो आप मजे से गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कूप में कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। तेरी ये बिंदिया गर्मा गर्म खाना आ गया, तो देखते हैं डिनर में क्या है। ये राइस है, मटर डाला हुआ राइस है, और ये चपाती है जिसको हम लोग रोटी भी बोलते हैं, बहुत गर्म है अभी। और मैंने नॉन वेज ऑर्डर किया था तो इसमें दाल है, और ये है चिकन। ओके हम लोग पटना पहुंच गए हैं, और ये पटना रेलवे स्टेशन में रुकी हुई है।
अब हम लोग का सोने का टाइम हो गया। मैं एक एक्स्ट्रा बेडशीट लाई थी जिसको मैंने कर्टन की तरह यूज किया है। सानवी लेट तक सोती है तो सनलाइट उसके चेहरे पे ना पड़े। हम लोगों का सुबह का चाय आ गया है। जो सुबह सुबह चाय पीने के शौकीन है तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। चाय के साथ वो दो न्यूज़पेपर भी देते हैं। हर दो तीन घंटे के अंदर रेलवे के स्टाफ खूब साफ करने के लिए आ जाते हैं। सानवी को तैयार कर देती हूँ। हम लोग नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मैं हैंड वॉश करके आ रही हूँ। हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट आ गया। और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। सुबह हम लोग को चाय और बिस्किट मिला था सुबह सुबह, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या मिला है। ये है ऑमलेट। ओके, ये ऑमलेट है। इसको मैं ऐसे करके ही रख देती हूँ ताकि ये गर्म रहे। ओ, इसमें चाय बनाना है, मैं दूध को रखना है। ये तो पाउडर वाली चाय दूध होगी ना। हाँ, मतलब अभी ले लीजिए, गर्म पानी लेंगे तो उसमें हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो बहुत सारे ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, ढेर सारा ऑप्शन है। देख रहे हैं मेरे प्लेट भर भर के है। कैसे बोल रहे? ओके, का ब्रेड और जैम तैयार हो गया है, वो खा रही है। और मेरा दूध कॉर्नफ्लेक्स बनाना के साथ। एक आदमी के लिए ब्रेकफास्ट बहुत हैवी है। तब आप देख रहे हो कब से मैं खा रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं।
लोग की जर्नी औसम रही। आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड हो रही है क्योंकि हम लोग दिल्ली बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। इसमें सिर्फ ब्लैंकेट, पिल्लो और दो बेडशीट है। ये पूरा ऐसे ही है, इसमें तो कपड़े है बस। खाने पीने का सामान तो मिलता ही रेलवे में। सानवी के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ लिया है तो वो भी इसी में। स्टेशन पहुंचने से पहले मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। इसमें एक इंडियन स्टाइल, एक वेस्टर्न स्टाइल और एक नहाने का भी रूम होता है जिसको आप शावर रूम भी कहते हो। अगर आपको कोई मीटिंग या शादी अटेंड करना है तो आप यहाँ पे नहा के तैयार होके जा सकते हो। यहाँ पे ठंडा और गर्म पानी का दोनों का इंतजाम है। तो है ना राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी कोच मजेदार। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। हम लोग नई दिल्ली पहुंच गए। अगर आपको कुप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको जवाब देके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।